find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे आप अपने जो विंटर्स के जो हॉलीडेज ना मना सकते हो। एंड ये राउरकेला के बहुत ही पास है, लाइक आधा घंटा लगता है राउरकेला से यहाँ आने के लिए। और मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि यहाँ पे एक ऐसा जगह भी है जहाँ पे आप हॉलीडे मना सकते हो। सो देख सकते हो यहाँ पे ये ओवरब्रिज है और पीछे जो है देख सकते हो ये बोर्ड। और ये प्लेस का नाम है धन्वंतरी इको एग्रो टूरिज्म सेंटर, जहाँ पे आप बिल्कुल हॉलीडे मनाने के लिए बिल्कुल आना। और आगे मैं दिखाने वाली हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेजेस भी हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, खाना भी मिलेगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा जगह है। क्यों इतना बकवास करी हूँ, चलो चलते हैं। तो दिस इज़ द बोर्ड जहाँ पे यहाँ पे बुकिंग वगैरह, फ़ोन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, सारा कुछ दिया गया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आपको बुक कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो दिस इज़ द एंट्री गेट और अभी मैं जा रही हूँ अंदर। और एंट्री करते ही आपको यहाँ पे बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगा, क्योंकि ये पूरा जो ये टूरिज्म सेंटर है ये जंगल के बीचों बीच बनाया गया है। सो दिस इज़ द होल एरिया। यहाँ पे देख सकते हो रिसेप्शन है और वहाँ पे बहुत सारे प्लांटेशन यहाँ पे किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसे ऐसे यू नो प्लांट लगाए गए हैं जैसे कि रुद्राक्ष के एंड तेजपत्ता, इन अंजीर और एक कल्प वृक्ष बोलते हैं वो भी है यहाँ पे। बहुत एक्सपेंसिव प्लांट भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये है एंट्री जहाँ से हम लोग कॉटेजेस और यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। ये जो प्लेस है ना, ये चांदीपोस जो है, चांदीपोस से पहले कुमा केला पड़ता है, वहाँ पे ही जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको टूरिज्म सेंटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये जो पीछे देख सकते हो जो बैम्बू से बनाया गया है, जो ये जो रूम्स देख रहे हो ना, ये कॉटेजेस हैं यहाँ के। यहाँ पे टोटल 8 कॉटेजेस मौजूद है। तो यहाँ पे 2 बेड्स भी है, सिंगल बेड, लार्ज बेड भी अवेलेबल है। नेचुरल चीज़ से बनाई गई जो चीज़ें ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और स्पेशली मुझे क्या दिखा पता है, मैं रोड से जब जा रही थी मुझे दिखा ये जो टावर देख सकते हो पीछे, जो टावर है वो एक्चुअली कैरम बोर्ड एरिया है। ऊपर आप कैरम खेल सकते हो दोस्तों के साथ, नीचे पेंट्री है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों के लिए, दिस इज़ द प्ले एरिया जहाँ पे झूला है, ट्रैम्पोलिन है, सीसॉ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और सब मैं दिखाऊंगी। और दिस इज़ द कॉटेजेस, ये सारे कॉटेजेस हैं। और आगे एक्वेरियम भी है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी छोटे छोटे जैसे कि रैट्स हैं, माउस एंड रैबिट्स, वो सारे कुछ यहाँ पे रखे जाते थे, बट अभी ये जस्ट ओपन हुआ है तो वो सारे फिर से लाएंगे। बट एक्वेरियम यहाँ पे अभी है तो मैं वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है छोटा सा, जो मतलब विजिटर्स के लिए ही ओनली है। तो ऊपर देख सकते हो ये है कैरम प्ले एरिया, रात को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता होगा। और आगे यहाँ पे एक स्पेशल एरिया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक ये कैक्टस वाली एरिया जहाँ पे यहाँ पे कैक्टस लगाए गए हैं। लेट मी शो यू। सो देख सकते हो ये बहुत सारे कैक्टस, मुझे इनका नाम तो पर्टिकुलर नहीं पता बट कैक्टस ही है। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के कैक्टस लगाए गए हैं। स्पेशल अट्रैक्शन टू दिस यू नो डक्स, जो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। यहाँ पे तीनों बड़े बड़े यहाँ पे डक्स भी रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो कॉटेजेस है मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे टोटल 8 कॉटेजेस है। और यहाँ मैं अभी जाने वाली हूँ सबसे बड़ा वाला जो कॉटेज यहाँ पे है, तो वहीं मैं आपको लेके जा रही हूँ। तो चारों तरफ ग्रीनरी तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अभी एंट्री करते हैं यहाँ का एक लार्ज कॉटेज में। और जो छोटे छोटे कॉटेजेस हैं ना, वो सारे छोटे बेड्स हैं, 2 बेड वहाँ पे है। यहाँ पे लार्ज बेड भी अवेलेबल है। सो दिस इज़ द रूम, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द लार्ज कॉटेज
जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे लार्ज बेड मिलेगा, आराम से दो आदमी रह सकते हैं, और अगर आप बच्चे हैं फैमिली है तो आराम से रह भी पाएंगे। एंड यहाँ पे कूलर का ऑप्शन है, यहाँ पे एसी नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर्टी सोलर पैनल से ही, सोलर पावर से ही चलता है, तो अभी उन्होंने कूलर का ही यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। और उसके साथ आपको यहाँ पे टीवी भी मिलेगा, दिस इज़ द टीवी एरिया, यहाँ पे छोटा सा कैबिनेट है। एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक एरिया जहाँ पे है, जहाँ पे आप नेचर को आराम से देख के एंजॉय कर सकते हो, दिस इज़ द सिटिंग एरिया। और यहाँ सामने ही प्लांटेशन का पूरा एरिया है, बाहर पूरा प्लांटेशन लगाया गया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आप बैठ के चाय पी सकते हो। एंड लेट मी शो यू द बाथरूम, बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, और ये पूरा जो देख सकते हो यहाँ पे वॉल एकदम बैम्बू से बनाया गया है। दूसरे कॉटेजेस में आपको दिखा दूँगी, तो चलिए पहले बाथरूम दिखा देती हूँ। सो ये है बाथरूम, यहाँ पे एंट्रेंस, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोलगेट एंड सब कुछ, यहाँ पे टावल एंड यहाँ पे हैंड वॉश कोलगेट दिया गया है। ये है बेसिन, और यहाँ है, ये है बाथरूम। सो यहाँ पे शावर है एंड गीजर नहीं है यहाँ पे, और ये छोटा सा यहाँ पे टॉयलेट बकेट एंड एवरीथिंग यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। सो बाथरूम बहुत ही अच्छा ही है, क्लीन है, एंड देख सकते हो दिस इज़ द होल रूम। ऊपर सीलिंग फैन है, काफ़ी स्पेशियस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे क्लीन टॉवल्स रखा हुआ है फॉर यू नो विजिटर्स, और स्पेशली ये प्लेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आप आराम से यहाँ पे नेचर को देखते हुए चाय का सिप ले सकते हो, या फिर बैठ के ऐसे नॉर्मली अपने फैमिली के साथ बात भी कर सकते हो। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे ओनली वेज फूड मिलता है, और बहुत ही यमी लगता है मैंने सुना है। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो ये है यहाँ जो टेम्पलेट देख रहे हो, यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे बैम्बू कॉटेजेस है, वेज रेस्टोरेंट है, एंड जो भी मैंने बताया सब कुछ है। फाइनली इंद्र देवता हमारे ऊपर खुश हो गए, और फाइनली थोड़ा सा बारिश हुआ और गर्मी से राहत मिला। तो अभी हम लोग प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं, और सर दिखा रहे हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो यहाँ पे लगाए गए हैं, तो चलो देखो और क्या। के बारे में बोल रही थी, यहाँ पे स्पेशल बैम्बू ट्री मिलता है जिसका कलर येलो है। कलर इज येलो, ये नेचुरली ऐसे उगता है येलो। यहाँ पे बहुत सारे उधर भी है येलो कलर के, येलो कलर का भी है, बहुत काफी है। बारिश हो गया और इतना अच्छा माहौल में हम लोग खड़े हैं, कहाँ पे, दिस ब्यूटीफुल ट्री हाउस। और मुझे बचपन से ही ना इतना मन करता था कि मैं एक ट्री हाउस बनाऊँ, उसमें रहूँ, और ये जो सपना मेरा अभी पूरा हो गया टाइप का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बारिश में ये जगह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और देख सकते हैं ये ट्रायंगल टाइप का जो ये ट्री है, ट्री हाउस, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो अभी हम लोग इतने ब्यूटीफुल से सिचुएशन को, अभी जो सिनेरियो चल रहा है बहुत अच्छा, तो अभी हम लोग कैप्चर तो करेंगे ना, तो ड्रोन शॉट तो बनता है, तो इसलिए ड्रोन शॉट के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। लेट मी शो यू द ड्रोन, ये हमारा ड्रोन अभी उड़ने वाला है इस खिड़की से, तो चलो उड़ाते हैं।